नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्राउन का फ्लैट टीवी लेकर आए हैं जो कि 17 इंच का है। ठीक है, तो ये पूरा डेड है दोस्तों। तो ये में खुला भी था, इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने ओपन कर लिया हूँ दोस्तों, ये है इसका पावर सप्लाई। और ये जो पावर सप्लाई है ज़्यादा महंगा भी नहीं है दोस्तों, और इसको भी हम लोग रिपेयर कर लेते, लेकिन इसमें जो है कंट्रोलर आईसी भी गया हुआ है, ऑप्टो कपलर भी गया हुआ है, और फिर 3-1 जो है वो भी गया हुआ है दोस्तों। तो इसके वजह से इतना तो रिपेयरिंग करने के बदले ये तो सस्ता में आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको नया डालेंगे दोस्तों। तो इसको बोर्ड हम लोग दूसरा डाल देंगे। तो मेरे पास है दोस्तों ये बोर्ड, देखिए। तो मैं ये बोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है। ये जो बोर्ड में दोस्तों बैकलाइट ड्राइवर भी इसी में ही है दोस्तों। ठीक है, मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ, अभी पावर ऑन करके देख लेते हैं कि इसका स्टैंड बाय लाइट चलता है कि नहीं। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टैंड बाय लाइट जो है चल गया है, और टीवी ऑन भी हो चुका है, स्टैंड बाय रिलीज भी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिटिंग करेंगे, फिर पैनल का कनेक्शन देंगे दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे दो नोट लगा लेंगे। यहाँ पे नोट लगा दिया हूँ दोस्तों, और अभी हम लोग पैनल कनेक्शन भी कर लेंगे। तो इसमें जो पैनल कनेक्शन दिया है दोस्तों, फुल एचडी का कनेक्शन है, ठीक है। कनेक्शन दोस्तों सही करना है, नहीं तो कलर में से प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। और मैं बैकलाइट के लिए यहाँ पे एक कनेक्शन देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोनों कनेक्शन दे दिया। अभी हम लोग थोड़ा चालू करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं चालू करके देखता हूँ पैनल के साथ।
अब स्टैंड बाय रिलीज नहीं हुआ है दोस्तों, अब रिलीज हो गया। देखिए दोस्तों ये भी लिखा आ गया है, नो सिग्नल आ गया दोस्तों। तो ये तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जो कि नया बिगनर के लिए है, और इसको हम लोग चाहें तो रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत कम है, टाइम टेकअप ज़्यादा होता है काम करने में, तो इसलिए रिपेयर के बदले में ये छोटा सा चीज़ को रिफ्लेक्स कर देने से बहुत अच्छा है। अगर महंगा होता जैसे कि सैमसंग LG ये सब का, तो इसमें उसमें रिपेयर करना है दोस्तों, तभी जाके अच्छा काम होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो, अच्छा अच्छा वीडियो भी ला के आप लोगों के सामने पेश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।